Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूँ आज वीडियो नंबर 38. आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनीज. आपकी एनसीईआरटी बुक का है पेज नंबर 66. एंड बोल दो ना यार स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. तो देखो इस चैप्टर में प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में हम क्या पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में. तो हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, मैंने आपको बताया था तीन टाइप्स के होते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ लिया, स्टैचुएटरी कॉर्पोरेशन हमने पढ़ लिया. जिन्होंने नहीं पढ़ा, मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, जाओ जाकर के देखो पहले वो. देन आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में. तो देखो जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्या है, ये कंपनी है. कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? कंपनी है. कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है. तो चलो समझते हैं इसको. एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जिसमें कम से कम 51% का जो शेयर है, 51% का जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट लगाती है. अब सबसे पहले तो समझो कि भाई ये सर 51% का क्या सिनेरियो है, मुझे ये नहीं समझ में आया. तो देखो अगर 50-50 होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50-50 होगा तो क्या होगा, ओनरशिप इक्विवेलेंट हो जाएगी, कंट्रोल जो होगा वो बराबर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का. ठीक है, अगर 49-50 हो गया, मतलब 49% गवर्नमेंट और 50% अगर प्राइवेट सेक्टर, तो फिर किसकी, 51% प्राइवेट सेक्टर, तो किसकी कंट्रोलिंग ज्यादा होगी? प्राइवेट सेक्टर की कंट्रोलिंग ज्यादा होगी, फिर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी नहीं. तो ऐसे में 51% एटलीस्ट बात क्यों बोली गई? इसलिए बोली गई है ताकि इन कंपनीज में मेजर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की आ गई तो मेजर कंट्रोल भी गवर्नमेंट का होगा. सो कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं? जल्दी से बता दो, वो सारी कंपनीज जिनमें मिनिमम कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होता है. अब गवर्नमेंट मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हो सकता है, ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है. कि मान लो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% कंट्रीब्यूट कर रखा है और 30% स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट कर रखा है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. या स्टेट, दो स्टेट्स की गवर्नमेंट का भी हो सकता है, दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है. मान लो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की गवर्नमेंट ने मिलाकर के 70% पेड अप शेयर कैपिटल खरीद रखा है. सो बेसिकली व्हाट आर गवर्नमेंट कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% का जो मेजर शेयर होल्डिंग आ जाती है वो किसके पास आ जाती है? वो आ जाती है गवर्नमेंट के पास. एंड अगेन, अब ये इसे कौन गवर्न करता है? क्या है इसका नाम? कंपनी. हमने क्या पढ़ा था? कंपनी को कौन गवर्न करता है? द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. 2013 से पहले कौन सा एक्ट था? द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. सो पहले 2012 तक जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी वो 1956 के अंडर रेगुलेटेड थी, फिर 2013 कंपल्सरी हो गया था. आया ना समझ में? देखो उसके कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. अच्छा आपने लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम सुना है? कौन है वो? उन्हें स्टील मैन कहते हैं इंडिया का, है ना. तो सेल में काम करते हैं बेसिकली, इन द सेंस कि उनका सेल में शेयरिंग है. तो 51% यानी ज्यादा मेजर शेयरिंग किसकी होगी? गवर्नमेंट की है, बाकी जो है उनकी है. देन भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं. कौन है गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है? एटलीस्ट 51%, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम 51% होना पड़ेगा. देन इसके फीचर्स, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो देखो इसको ध्यान से समझना. फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही सारे के सारे मैरिट्स एंड लिमिटेशंस और पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी होता है. कहां रजिस्टर होते हैं? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में. और जितने भी प्रोविजन हमने पढ़े थे कि भाई रजिस्ट्रार के पास जाना होता है, रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है. कौन से सर्टिफिकेट से कंपनी अपने स्टार्ट होती है, जन्म लेती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, COI से. और वो कहां से मिलता है? रजिस्ट्रार देता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, है ना. सो इनका रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है. कहां रजिस्टर होता है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में. ओनरशिप की बात की जाए तो देखो या तो पूरी की पूरी, देखो दो टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती है,
समझना, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. अब नाम पर जाना, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कौन सी कंपनी हो गई जिसमें पूरा का पूरा 100% शेयर किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा. तो पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करता है होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. और पार्टली ओन्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो. मेजर मंथ कब से आ जाती है, एटलीस्ट 51% से, है ना. सो ओनरशिप की बात की जाए तो दो टाइप की हो गई. देन कैपिटल ओन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो गवर्नमेंट कंपनी में जितना भी कैपिटल पैसा लगाया जाता है वो किस नेम से इनके शेयर्स परचेज किए जाते हैं, इनके शेयर्स परचेज किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से गवर्नमेंट कंपनीज के सारे शेयर्स परचेज किए जाते हैं. आया आपको समझ में. देन बात की जाए मैनेजमेंट की, तो इन्हें कौन मैनेज करता है, इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं, लाइक किसी भी कंपनी की तरह. हमने पढ़ा था ना कंपनीज में कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, खुद तो चल फिर नहीं सकती है ना, बस लीगली जिंदा होती है. सो मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. पर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नॉमिनेट करता है, दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स. मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है यार, गवर्नमेंट की है ना. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहां पे कौन अपॉइंट करता है इन टाइप के कंपनीज की, सिर्फ गवर्नमेंट करती है. नाउ हैशटैग पर ध्यान दो, गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. और मान लो कि सपोज करो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 हैं, तो आप हमेशा यूजुअली ऐसा देखोगे कि 3 से 4 जो होंगे, यानी मैक्सिमम परसेंटेज में जो गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ही असाइन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही मेजर कंट्रोलिंग कर रखी है. अब आप पूछोगे कि सर फिर जरूरत ही क्या है गवर्नमेंट कंपनीज की, अच्छा भला प्राइवेट सेक्टर तो चल रहा है, क्यों गवर्नमेंट इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रही है. तो देखो रीजन ये है, इसलिए कर रही है ताकि गवर्नमेंट नहीं चाहती मोनोपोली हो जाए. अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी मोनोपोली हो जाएगी. मोनोपोली मतलब व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट और कोई कंपटीशन नहीं है. तो जब प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो अपने हिसाब से एक्स ऑर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे, बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे. तो जो बेसिक कॉमन पीपल है इंडिया के, बेसिकली जो मिडिल क्लास है, उन तक तो आधी से ज्यादा चीजें पहुंचेंगी ही नहीं. तो ऐसे में गवर्नमेंट कंपनीज एस्टैब्लिश करी गई, आइडिया ही यही था कि प्राइवेट सेक्टर के साथ ही काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली भी हम खत्म करेंगे. इसीलिए यहां पे मेजर शेयर होल्डिंग हमेशा गवर्नमेंट की होती है और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स की होती है. जैसे मैंने बताया सेल का एग्जाम्पल देते हुए कि मेजर शेयर होल्डिंग सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके बाद लक्ष्मी निवास मित्तल की है. बात की जाए सेपरेट लीगल एंटिटी, यार कंपनी है ना ये, कंपनी तो क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई एम सो सॉरी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी को मिल जाता है तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है वो. मतलब लॉफुली एक जीता जागता इंसान है, लॉफुली, वैसे नेचुरल इंसान नहीं है. सो देखो इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. सो गवर्नमेंट कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, है ना, और सेल भी कर सकती हैं. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम, तो अपने नेम पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं. एंड मोर ओवर इन पे अगर केस होगा तो भी इनके नेम पर ही होगा, और अगर ये किसी पे केस करेंगी तो भी अपने नेम से करेंगी. आया समझ में. तो सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है इन कंपनीज को, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये बहुत नेचुरल एडवांटेज है. जहां कंपनीज होंगी वो सेपरेट लीगल एंटिटी तो होगी ही होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है एक कंपनी. आया समझ में. नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर देखो मिनिस्टेरियल कंट्रोल. इसका मतलब क्या कि ये गवर्नमेंट मेजर होल्डिंग है ना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे किसका होता है, मिनिस्ट्री का होता है, सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. मिनिस्ट्री अब मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. हमने पढ़ा कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है या कौन चलाता है, मिनिस्टर्स चलाते हैं. तो यहाँ के टोटल कंट्रोल जो होता है मिनिस्टर्स का होता है. डायरेक्शन एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री. यहां तक कि क्यों यहां पे मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट रखती है, ताकि गवर्नमेंट इसे अपने हिसाब से चला सके. मिनिस्ट्री जो है, एसोसिएटेड मिनिस्ट्री जो भी इस कंपनी से होती है, वो अपने हिसाब से इसे चला सके. देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ,
कि ये अपने नेम पर पैसा खरीद सकती है, मतलब बोरो कर सकती है और लैंड कर सकती है, इन्हें पार्लियामेंट से या गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने स्टैचुएटरी कॉर्पोरेशन में भी पढ़ा था कि वो लोग भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं। सो ये क्या है, इंजॉयज बोरोइंग पावर्स, अपने नेम पर पैसा खरीद सकती है, आई मीन बोरो कर सकती है एंड लैंड भी कर सकती है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। सो ऐसी टाइप की कंपनीज क्या होती हैं, जो शेयर्स हैं वो भी इश्यू करती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखोगे सेल भेल एंड आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। देन फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या, अपन ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या पढ़ा था कि भाई रेलवे जो भी पैसा कमाती है वो कहां जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरीज में जाता है, लेकिन इनका जो पैसा होता है ये अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती हैं। इसीलिए तो प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्ट लेंगे ना। अगर लक्ष्मी निवास मित्तल ने इंटरेस्ट दिखाया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, तो वो इसीलिए दिखाया ना क्योंकि रेवेन्यूज जो प्रॉफिट जो कमाएंगे वो उनके पास आएगा। अगर गवर्नमेंट के पास जा रहा होता, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती, तो फिर प्राइवेट सेक्टर कभी पार्ट ही नहीं लेता इसमें। आया आपको समझ में? देन एफिशियंट स्टाफ। तो देखो इनका जो, इनके जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता है और जो सैलरी रेम्यूनरेशन ये देते हैं, ये गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है, मतलब इसमें पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस नहीं होता है। या फिर आप कह लो, जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था, सिविल सर्विस रूल्स जो होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज सिविल एम्प्लॉइज थे ना, वो रूल इन पे अप्लाई नहीं होते हैं। एंड एक चीज ध्यान रखना, इनके जो स्टाफ होंगे ना, ये बहुत ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होंगे, मतलब एफिशिएंट होंगे, बेटर होंगे अदर देन टू फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर आता है वहां पे एफिशिएंट स्टाफ आता है ना। गवर्नमेंट जॉब की जैसे नहीं है कि लग गई तो बस चले जा रहे हैं। देन बात की जाए अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, किसको आंसर देते हैं ये, ये किसको आंसर देंगे, मिनिस्टर्स को या डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट में है ये। देन इनकी एनुअल रिपोर्ट्स जो होती है कि भाई इन्होंने पूरे साल में क्या किया क्या नहीं किया, क्या बैलेंस शीट रही, पूरा कच्चा चिट्टा जो होता है पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। एंड इनके भी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। कौन ऑडिट करता है? कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके लिए, और इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। अकाउंट्स ऑडिट होने का मतलब अकाउंट्स को चेक करना कि जो जो आपने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की अपने बैलेंस शीट में वो सही है या नहीं है। देखो गवर्नमेंट सेक्टर है तो अपने आप समझ में आता है, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही हमेशा अकाउंट को ऑडिट करेगा। कौन करते हैं इनके अकाउंट्स ऑडिट? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CNAG। आया समझ में? देखो अब इसके मेरिट्स की बात की जाए, मेरिट्स आ जाए एग्जाम में, एडवांटेज पूछ ले, बेनिफिट्स पूछ ले, चीज एक ही है, घबराना मत। सो सबसे पहले क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। समझना क्यों फ्री है, क्योंकि अगर फ्री नहीं होता ना तो कभी भी प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर को तो इंडिपेंडेंस चाहिए, वो थोड़ा ना गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। सो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिलेटिवली मतलब काफी हद तक जब आप कंपेयर करोगे ना, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बहुत फ्री है। फंक्शंस फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द गवर्नमेंट विजिलेंस ऑफ, अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीली फंक्शन करते हैं और बहुत स्मूथली फंक्शन करते हैं। विजिलेंस मतलब कि निगरानी इन पे कौन रखता है, गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर, लेकिन फिर भी रिलेटिवली काफी हद तक फ्रीडम है इनको। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करूं तो इतना नहीं है। देन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कि अगर इनमें कोई चेंज आता है तो वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होता है। स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ये कंपनीज एक्ट को, ठीक है। देखो यहां पे फ्रॉड के कोई चांसेस होते ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है और यहां के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। देन बात की जाए सेकेंड मेरिट की, तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो इन्हें एक तरफ तो यहां पे क्या होता है, पैसा तो कौन लगा रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, लार्जली गवर्नमेंट कर रही है, और यहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो कौन रिक्रूट करता है, प्राइवेट सेक्टर रिक्रूट करता है। मैनेज कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर रिक्रूट करता है। सो मैनेज फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड लाइक प्राइवेट सेक्टर। सो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर को उठा लो और गवर्नमेंट कंपनी को उठा लो, आपको लगभग सेम लगेगी अप्रॉक्स, क्योंकि ये भी उसी तरीके से मैनेज्ड होती है, उसी तरीके से ऑडिट होती है जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर ऑडिट होता है, ठीक है। जनरल फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है।
फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन यानी काम करने का फ्रीडम है एम्प्लॉयज के पास, एंड यहां पर रैट टैपिज्म नहीं है, यानी कि फाइल इधर से उधर मूव नहीं करती, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है यहां पे, क्योंकि भैया प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है यहां पे, है ना। देन बात की जाए इसके स्टाफ की, तो देखो ये अभी अभी अपन ने पढ़ा था फ्यूचर में भी कि इनका स्टाफ जो होता है एफिशिएंट होता है, क्योंकि इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जो स्टाफ होता है वो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उनको बेटर सैलरी मिलती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है भैया, लग गए तो चले जा रहे हो, नो मैटर आपको आता हो नहीं आता हो, आप कर रहे हो, वो वाली चीज नहीं है यहां पे, है ना। देन कोलैबोरेशन की बात की जाए तो देखो ये क्या है, एक कोलैबोरेटेड मैनर में काम करता है, मतलब कोलैबोरेटेड मतलब कि कुछ पार्ट यहां पे पब्लिक सेक्टर प्ले करता है, बाकी पार्ट यहां पे कौन प्ले करता है, प्राइवेट सेक्टर। जैसे देखो जब टेक्नोलॉजी की बात आए, मैनेजमेंट स्किल्स की बात आए, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। सो ये बेसिकली क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कोलैबोरेशन में चलता है, यहाँ पे प्राइवेट स्पेशलिटीज भी है प्राइवेट सेक्टर की, और पब्लिक सेक्टर की भी स्पेशलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, आया समझ में। देन देखो इसके डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस की बात करूं, अगेन तीनों सेम है बेटा, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, एग्जैक्टली कि हमने जो अभी कहा ना कि भाई गवर्नमेंट फ्री है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री है, तो देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली यहां पे आप मेरे को एक बात बताओ, मेजर स्टेक होल्डिंग किसके पास है, मेजर स्टेक होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास, तो सबसे ज्यादा यहां पर किसकी चलती है कंट्रोल की बात आती है तो गवर्नमेंट की चलती है, समझ में आया। इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। सो ऑटोनॉमी फ्रीडम की अगर बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शंस है, उतना फ्रीडम नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो जीरो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है यहां पे, मिनिस्ट्री कंट्रोल में है ना ये, तो मिनिस्टर्स इसे क्या समझते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है, और वो बार बार इंटरफेरेंस करते हैं ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है ये, गवर्नमेंट को अगर पसंद नहीं है कुछ काम इसमें तो वो नहीं होगा, गवर्नमेंट को कोई चेंज लाना है तो वो हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, मानो या ना मानो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो गवर्नमेंट सेक्टर में है ही है, ठीक है, चाहे थ्योरेटिकली नहीं होगी पर प्रैक्टिकली जब आप जाओगे ना चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ये सेक्टर चलते ही नहीं है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूं तो बोर्ड पैक्ट विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि जब आप यहां पे बात करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो मेजर स्टेक होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन चूज करता है इनके, गवर्नमेंट चूज करती है। तो लार्जली क्या होता है कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट की होती है। तो वो क्या करते हैं, लार्जली कंपनीज को जो जरूरत है, कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को जो जरूरत है उस अकॉर्डिंग नहीं करते वो लोग काम, रादर वो क्या करते हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को प्लीज करने की, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया और मुझे किसी मिनिस्टर ने कह दिया कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं वैसा ही करूंगा, मिनिस्टर को खुश करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके की चीज जो होती है यहां पर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देन बात की जाए सूटेबिलिटी की, तो देखो इफ गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कंट्रोल अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, क्यों गवर्नमेंट कंपनी खोली गई, सिंपल रीजन ही यही था कि गवर्नमेंट चाहती थी प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना, उनकी मोनोपोली खत्म करना, इसीलिए क्या किया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अपना मेजर स्टेक होल्डिंग डाली और उसे गवर्नमेंट कंपनी बना दिया। देन इसकी सूटेबिलिटी कहां है, कहां पर है, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करते हैं ये, कि थोड़ा प्राइवेट सेक्टर अपना जहां पर टेक्निकल स्टाफ देखता है मैनेजरियल स्टाफ देखता है वहीं गवर्नमेंट पैसा लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस फ्री करती है। देन इस टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज बेसिकली कौन सी होती हैं, जिनके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट प्लानिंग और फंड की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पे इतना पैसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वही दे सकती है लार्जली, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि यहां पे ना क्यों मजा है गवर्नमेंट कंपनी में काम करने का, क्यों अपने शेयर्स एज अ प्राइवेट प्लेयर, अगर आप प्राइवेट प्लेयर हो तो आप क्यों गवर्नमेंट कंपनी में आना चाहोगे, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी इतनी इजीली ओपन नहीं होती, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि यहां तो गवर्नमेंट ही खुद इन्वॉल्व है तो काम काफी आसान हो जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है ये सारी चीजें आसान हो जाती है, इनफैक्ट और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, आया आपको समझ में। सो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड सबको बताओ, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि क्या पसंद आया, और नहीं पसंद आया है तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरी पोस्ट करो, आपको रिजोल्यूशन ग्रेवियंस सॉल्व होगा आपका, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड माई फैमिली, बाय बाय।